नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे CTT CDP से संबंधित एक टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड के जरिए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हम ब्रेन में रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। CTT दिसंबर 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिसंबर में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो स्टेज की बात करें तो स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास की जो अवस्थाएं उसकी बात करेंगे। ये जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो आ जाता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में आ जाता है आपका जो है वो होता है प्री नेटल स्टेज। ये जो प्री नेटल स्टेज आता है, फर्स्ट में आता है आपका प्री नेटल स्टेज आता है, जो कि इसको माना जाता है 9 महीने का माना जाता है। ये जो प्री नेटल स्टेज है ये 9 महीने का माना जाता है, अर्थात 280 दिन का माना जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि प्री नेटल स्टेज जो है वो कितने महीने का होता है, तो 9 महीने का, और कितने दिनों का, तो 280 दिन का होता है। यह अवस्था जो है माता के प्रेगनेंसी से, गर्भाधान से शुरू होता है। याद रखिएगा, यह अवस्था जो है गर्भाधान, माँ के गर्भाधान से शुरू होता है, और जब 9 महीने पूर जाता है तो ये पूरा कंप्लीट जो है प्री नेटल स्टेज कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्री नेटल स्टेज जो है वो 9 महीने का होता है और 280 दिन का होता है, और ये माँ के गर्भ से जो है ये जो है शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ब्रेन में रखना है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसको आप ब्रेन में रखेंगे तो ज़्यादातर जो टॉपिक होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन्फेंसी एज होता है अगला जो है हम बात करेंगे, जिसको हम इसके बारे में वो है इन्फेंसी एज की बात करेंगे हम। तो इन्फेंसी एज जो होता है वो जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है, और इस अवस्था में जो है शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है माता पिता पर। आप देखते होंगे आपके घर में जो बच्चे होंगे, जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को जो है इन्फेंसी एज के अंतर्गत इन्फेंट कहा जाता है। और इसमें आप देखते होंगे कि सबसे बड़ा चीज़ ये होता होगा इस स्टेज में, कि इस स्टेज में बच्चा जो है पूर्ण रूप से अपने माँ बाप पर, माता पिता या अपने दादा दादी या घर के परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है, और उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसका जो शरीर जो होता है तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। इस समय में जो है मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल से जो है लर्निंग होती रहती है, और ज़्यादातर इस समय में बच्चे जो है इन्फेंसी, दूसरा जो हमारा है वो है इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज में क्या होता है, ये होता है आपका जन्म से ये 2 वर्ष के लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें क्या करता है बच्चा, कम्प्लीटली जो है माता पिता पर जो है निर्भर रहता है। और इस एज में क्या होता है कि इस एज में क्या होता है दोस्तों, तो इस एज में आप देखते होंगे कि इस एज में जो होता है वो होता है तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था कहा जाता है इसको। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो है मोरालिटी का अभाव होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, मोरालिटी का जो है अभाव होता है इस स्टेज में जो है। मोरालिटी का क्या होता है दोस्तों, तो अभाव होता है, मोरालिटी का जो है अभाव होता है। सोच सकते हैं इन्फेंसी एज में बच्चे जो है वो कितने होते हैं, 0 से 2 वर्ष के होते हैं, जन्म से जो है 2 वर्ष के होते हैं। तो इस समय मोरालिटी का क्या होता है, वो क्या होता है, डिफिशियंसी होता है, लैक होता है, लैकनेस ऑफ जो है मोरालिटी होता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, तीसरा अवस्था जो है वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज।
ये जो अवस्थाएं होती है 2 से 6 वर्ष की होती है। जैसा कि हमने बताया प्री नेटल स्टेज जो होता है वो 9 महीने का 280 दिन का होता है। ये माँ के गर्भाधान से लेकर शुरू होता है और ये 9 महीने तक रहता है, 280 दिन का होता है। और इन्फेंसी एज हमने बताया जो जन्म से 2 वर्ष का होता है, और इसमें बच्चे के पास नैतिकता जो है मॉरलिटी का अभाव होता है और ये कम्प्लीटली जो है मम्मी पापा पर निर्भर रहता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बात करेंगे, पूर्व बाल अवस्था की बात करेंगे, तो बच्चे दो से छः वर्ष के बच्चे को रखा गया है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे को, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को इन्फेंसी एज में रखा गया, सस अवस्था में रखा है। प्रीनेटल स्टेज जो है वो 9 महीने का होता है या 280 दिन का होता है, और इन्फेंसी एज में जो है नैतिकता का अभाव होता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है 2 से 6 वर्षों का होता है, और इसमें बच्चा का जो है नकल करता है, इमिटिएशन करता है। दोस्तों इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करता है, ये जो है इमिटिएशन की भावना ज़्यादा होती है, इमिटिएशन अनुकरण करने की भावना इसमें आ जाती है। दोस्तों अनुकरण करता है बच्चा, ये 2 से 6 वर्ष में जो है अनुकरण करके द्वारा, अनुकरण के जरिए जो है ये लर्निंग करता है, जो सीखता है बच्चा ये जो है कॉपी करके, अनुकरण इमिटिएट करके, नकल करके, या कह सकते हैं तो अनुकरण करके सामने वाला को जो है अनुकरण करके बच्चा सीखता है। तो इसीलिए इस एज में 2 से 6 वर्ष के एज में बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारी देनी चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ें जो उसे सिखाना चाहिए जिसे वो इमिटिएट करके बेहतर स्टूडेंट, बेहतर बच्चा बन सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ये क्यूरियोसिटी की अवस्था मानी जाती है, इसमें क्यूरियोसिटी होता है, जानना चाहता है बच्चा। इस एज में बच्चा जो है क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा रहता है हर चीज़ के बारे में जानने का। और ये जो है ट्वाई एज, कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस अवस्था को ट्वाई एज कहा जाता है, तो दोस्तों अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चों को ट्वाई एज भी कहा जाता है। इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है, इमिटेशन के जरिए सीखता है, और ये जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होता है 2 से 6 वर्षों का होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करेंगे, क्योंकि एसटीटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ आप देखते होंगे दोस्तों कि इसमें जो है सेंसिटिव भाषा, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो है, लैंग्वेज जो है अर्जन करने की जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस समय में बच्चा जो है लैंग्वेज बढ़िया से सीखता है, तो इस समय में बच्चों को जो है बढ़िया से लैंग्वेज जो है सिखाना चाहिए। और ये सेंसिटिव लैंग्वेज अर्जन के लिए ये सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि लैंग्वेज अर्जन के लिए जो है सेंसिटिव पीरियड किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लैंग्वेज अर्जन के लिए जो है सेंसिटिव पीरियड जो कहा जाता है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, चाइल्डहुड स्टेज को कहा जाता है, 2 से 6 वर्ष के रूप में होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये इसमें जो है बच्चे जो है बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में ज़्यादा एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इसमें जो कल्पना वाले गेम होते हैं उसमें जो है ज़्यादा ये भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे तो लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे, अगर लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो ये 6 to 12 ईयर्स होता है दोस्तों। इसका जो है 6 से 12 वर्ष, जैसे हमने प्री नेटल एज जो हो गया, क्या हो गया, 9 महीने का हो गया, प्री नेटल एज 9 महीने का हो गया, उसमें इन्फेंसी जो हो गया जन्म से जो है 2 वर्ष का हो गया, और आपका अर्ली चाइल्डहुड जो हो गया 2 से 6 वर्ष का हो गया, और लेटर चाइल्डहुड जो हो गया 6 से 12 वर्ष का हो गया दोस्तों, अभी तक हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए अर्ली सबसे पहले आता है प्री नेटल एज जो है 9 महीने का 280 दिन का, उसके बाद इन्फेंसी एज आता है वो आता है 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष का, और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो आता है वो आता है 2 से 6 वर्ष का, और लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है, उसके बाद एडोलसेंस आ जाता है जो कि 12 से 18 वर्ष तक का होता है दोस्तों। 13 से 3 लगा हुआ आता है उसको एडोलसेंस, किशोरावस्था कहा जाता है। 13 to 18 कहेंगे तो एडोलसेंस एज कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर इस लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो इस लेटर चाइल्डहुड में जो हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो इस लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है कि इसको जो है लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है बच्चे में। ये जो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है दोस्तों, ये जो लेटर चाइल्डहुड जो है कि बच्चे जो है लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं दोस्तों।
लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे करने लगते हैं। इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को बाल विकास की अवस्थाओं को जो है गंदी अवस्था कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड में ही बच्चे गंदी अवस्था कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग प्रारंभ हो जाती है इसमें, तो ये जो है आपका लेटर चाइल्डहुड में। अगर बात करें अगले पॉइंट की तो बहुत इंपॉर्टेंट से इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आरंभिक स्कूल की अवस्था इसी को कहते हैं। स्कूल बच्चा यहीं से स्कूल जाना शुरू कर देता है, आरंभिक जो है आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है दोस्तों, स्कूल की अवस्था। इसी समय से बच्चा जो है आपको 6 वर्ष से ही बच्चा क्या होता है स्कूल जाने लगता है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कई बार पूछ देता है कि किस अवस्था को आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं, या कई बार ये पूछ इसको चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। लॉजिकल थिंकिंग कब शुरू हो जाता है, तो लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष में शुरू हो जाता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था इसी समय में बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। गंदी अवस्था किसको कहते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड को। अस्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज, अगर बच्चे का अगर कोई स्मार्ट एज माना जाता है इस चारों पाँचों स्टेज में, तो वो स्मार्ट एज जो कहलाता है वो कहलाता है आपका चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है। तो स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था, या इसको हम गेम्स एज भी कह सकते हैं दोस्तों, ये जो अवस्था होता है लेटर चाइल्डहुड, जो गेम्स एज भी कहलाता है, गेम्स एज भी कहलाता है। गेम्स एज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गेम्स एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति जो है बढ़ने लगती है। स्टोरेज जो है बच्चों में जो है संग्रहण की प्रवृत्ति जो है, ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, स्टोरेज की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगता है बच्चों में। स्टोरेज की प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ने लगता है दोस्तों। इसको हम गेंग की अवस्था भी, कई बार एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्टेज को चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज को गेंग की अवस्था कहते हैं, तो हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड जो है, लेटर चाइल्डहुड की अवस्था को या चाइल्डहुड की अवस्था को हम क्या कहते हैं, गेंग की अवस्था कहते हैं। और इसको यूनिक पीरियड भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यूनिक पीरियड जो है किसको कहा जाता है, तो यूनिक पीरियड जो कहा जाता है, याद रखिएगा, तो यूनिक पीरियड जो कहा जाता है, ये जो है यूनिक पीरियड जो अनोखा काल जो कहा जाता है, वो कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वाले को, 12 ईयर्स वाले को कहा जाता है दोस्तों। अब है दोस्तों अगला जो स्टेज है, हम जिस स्टेज पर बात जिस स्टेज की बात कर रहे हैं वो है आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, 13 से 19। आप 13 से 18 कहिए या 19 कहिए, आप जब इसको मिलाएंगे तो 13 में 3 है और 18 में भी 3 है, तो जिसमें भी 3 लगा तो है उसको एडोलेसेंस अवस्था में माना जाता है, किशोरावस्था में माना जाता है। ये जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, सबसे हार्ड पीरियड जो है, हार्ड पीरियड, हार्डेस्ट पीरियड अगर कहा जाए, सबसे कठिन काल कहा जाए अगर जीवन का, तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। 13 से 18 ईयर्स के बीच में जो किशोरावस्था एडोलेसेंस एज होता है वो हार्डेस्ट पीरियड होता है। इस पीरियड में क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा जो है इसको संघर्ष, देखिए दोस्तों इसको संघर्ष का काल कहा जाता है, तनाव का काल कहा जाता है, उसके बाद आंधी तूफान का काल कहा जाता है, आंधी तूफान का काल कहा जाता है, उसके बाद उलझन की अवस्था भी कहा जाता है इसको, उलझन भी रहता है, उलझन की अवस्था, संघर्ष का काल, तनाव का काल, आंधी का काल, तूफान का काल, उलझन का काल जो है, ये सारा नाम जो है एडोलेसेंस का है, किशोरावस्था में होता है। बच्चे संघर्ष बहुत करने लगते हैं इस काल में जो है, संघर्ष की बढ़ जाता है उसके शरीर में, तूफान आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बाल विकास के किस स्टेज को जो है वो आंधी तूफान का काल कहा गया है, संघर्ष का काल जो है, तनाव का, उलझन का अवस्था कहा गया, सबसे कठिन काल कहा गया, तो एडोलेसेंस को कहा गया है दोस्तों। अगला जो है क्वेश्चन उस पर हम चर्चा करें, अगला जो है इसको गोल्डन एज भी कहा गया है दोस्तों, सुनहरा काल कहा गया, सबसे सुंदर स्टेज जो है, सबसे जीवन में सबसे बेहतर जो है एज कहा जाता है वो 13 से 18 को कहा जाता है, गोल्डन स्टेज कहा जाता है। इसको हीरो वर्शिप जो है, हीरो वर्शिप, वीर पूजा,
इसमें बच्चे जो है किसी को अपना हीरो मान करके, उसको हीरो मान करके पूजने लगते हैं, मतलब किसी हीरो का, हीरो को या किसी एक्टर को या किसी साइंटिस्ट को या किसी क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। हीरो वर्शिप की भावना जो है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, हीरो वर्शिप की भावना इसमें जागृत होती है। और इसमें अमूर्त चिंतन डेवलप होता है, कह सकते हैं अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप हो जाता है बच्चे में, तो इसमें किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा सारे जो है जितने भी जो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसमें से हमने चर्चा किस किन चीज़ों का किया कि प्री नेटल एज है, एक है आपका प्री नेटल एज है जो कि 9 महीने का होता है, उसके बाद आ गया आपका इन्फेंसी आ गया। इन्फेंसी में आपने देखा कि ये जो है जन्म से 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, उसके बाद आ गया आपका अर्ली चाइल्डहुड आ गया, अर्ली चाइल्डहुड आ गया ये आ गया आपको 2 से 6 वर्ष के लिए, लेटर चाइल्डहुड जो आ गया वो आ गया 6 से 12 वर्ष के लिए, और आपका जो है एडोलसेंस जो आ गया, एडोलसेंस जो आ गया वो हो गया 12 से 18 वर्ष के लिए। तो एडोलसेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हीरो वर्शिप, गोल्डन एज, संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। अगर दो इंपॉर्टेंट अगर काल पूछेंगे तो लेटर चाइल्डहुड जो है और एडोलसेंस से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, वैसे आपको अर्ली चाइल्डहुड से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक बार अगर देख ले, एक बार रिकैप कर ले, तो इन्फेंसी एज में क्या होता है, बच्चा जो है क्या करता है, पूर्ण रूप से मम्मी पापा पर निर्भर रहता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, शारीरिक जो है मानसिक अधिगम की व्यवस्था होता है। ये अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का होता है, इसमें बच्चे इमिटिएट करते हैं, ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। ट्वाई एज किसे कहा जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड का कहा जाता है, भाषा अर्जन की जो है संभावना बढ़ जाती है, सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में जो है एक्टिव रूप से भाग लेने लगते हैं वो क्या होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड की अगर या चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स में अगर बात करें तो इसको लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चों में शुरू हो जाती है, आरंभिक स्कूल का जो है स्कूल जो है बच्चे जाने लगते हैं, गंदी अवस्था कहा जाता है, स्मार्ट एज कहा जाता है चाइल्डहुड को, गेम्स स्टेज कहा जाता है, स्टोरेज की संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, गेम की अवस्था और यूनिक पीरियड कहा जाता है, और किशोरावस्था की बात करें तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था, गोल्डन एज, हीरो वर्शिप की भावना और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। फिर से हम प्रयास करेंगे और भी सीटेट का वीडियो जो है CDP का।